धौलपुर के बाड़ी में बसईडांग थाना क्षेत्र के कुदन्ना गांव में एक भांजे ने अपने मामा को गोली मार दी। घायल मामा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी घटना के बाद से फरार हो गए। भांजे पर मामी को भगा ले जाने का आरोप है। नोहरे गांव के रहने वाले घायल मामा दुर्ग सिंह के अनुसार उसकी पत्नी को 4 माह पहले उसका भांजा भगा कर ले गया था। उसके बाद से विवाद चला आ रहा था। शुक्रवार को मामा कुआ खेड़ा किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, तो भांजे पंजाब ने गजपुरा के पास से अपने साथियों के साथ मिलकर दुर्ग सिंह को पकड़कर अपने गांव कुदन्ना ले गए और मारपीट के बाद उसके पैर में गोली मार दी। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। डांग वसी पुत र ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। साथ ही पुलिस नाम दर्ज आरोपियों को तलाश करने में जुटी हुई है। मैं पूजा के लिए जा रहा था, पूजा के लिए जा रहा था, तो रास्ता में गजपुरा के किराए पे मुझे खाई ले गई। पंजाब कल्लू राधे उबर प्रेम सिंह और रंगी, अच्छा इतने जिले में 3 मोटरसाइकिल से जबरदस्ती से मार पीट करके घूसा थाप लात मार के जबरदस्ती से ले गए अपने घर ले जाए गए। मुझे दाब दिया, मुझे गोली मारी है। क्या मामला है? मेरी 4 महीना पहले मेरी पत्नी को ले गई, फिर 2 महीना पीछे मेरे घर में आग टेक गई, मेरा घर बजा दिया पूरा। वो घर बजाने के बाद अब मैं अपने रिश्तेदारी में जा रहा था कूड़ा फेरे, और पता लग गया कैसे मुझे रास्ता में तो उठा के ले गया, अपने गोली मार दी, गोली मार के अपने घर डार गए। आप जंगल को बज गए सब लोग, मेरी बहन जी यही को वहीं रह गई मेरे पास। बस कौन सी गांव की हो? वे कुदन्ना के हैं साहब। आप? मैं नौराई का हूँ। अच्छा, तब मौजूद मिला, उसने बताया कि मेरा घर का भांजा मेरे गोली मार गया, इसका नाम पंजाब सिंह और उसका भाई भी साथ में, जो घायल अवस्था में था। अच्छा, उसने गोली क्यों मारी इसके, क्या कारण बताया उसने? मैंने कहा कोई कोर्ट का मामला चला रहा है, इनकी पत्नी का मामला था। पत्नी का मामला है, ये सुनने में आया कि पत्नी को ले गया था, वही विवाद चला रहा है, ऐसा कुछ मामला है। मार्च 2022 में मडराल करौली का रहने वाला एक गाड़िया लोहार धौलपुर हाउसिंग बोर्ड स्थित गाड़िया लोहार बस्ती से एक युवती को बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के भाई ने कोतवाली थाने में बहन के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिस पर थाना अधिकारी आध्यात्म गौतम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। आज टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रीतम पुत्र टीकाराम को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज आज अदा की गई। धौलपुर में बाड़ा कुमेदान स्थित शिया जामा मस्जिद में अल विदाई जुमे की नमाज मौलाना अली हैदर साहब अजमेर इक्तदा में अदा की गई। मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अपने मालिक की इबादत और धर्म के उसूलों पर चलना ही इंसानियत की सच्ची निशानी है। हर मजहब के मानने वाले अपने अपने तरीकों से अपने मालिक की इबादत करते हैं, यहाँ तक कि जानवर पक्षी भी अपने अपने अंदाज में मालिक की इबादत करते हैं। एतकाफ में बैठने वाले नौजवानों समीर अब्बास, सरफराज हैदर, मुजाहिद नकवी, हिफ्जुर रहमान व इमरान अली मौलाई का माला पहनाकर इस्तकबाल किया गया और आखिर में देश में अमन व सलामती, आपसी भाईचारा बना रहने की दुआ की गई। आगरा मुंबई हाईवे पर चंबल पुल के नजदीक बाइक को सड़क किनारे लगाकर खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार आ रही कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया।
कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि जीतू पुत्र कला जाटव निवासी सागरपाड़ा, अभिमन्यु पुत्र प्रभुदयाल ब्रजापाड़ा एवं धर्मेंद्र पुत्र महेंद्र त्यागी निवासी कलेक्ट्रेट बाइक पर सवार होकर मुरैना जा रहे थे। दो बाइक पर सवार तीनों लोग चंबल के पास बाइक को किनारे लगाकर बात कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने उनको पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जीतू को मृत घोषित कर दिया एवं दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद टक्कर मारने वाली कार का ड्राइवर कार को भगा कर ले गया। धौलपुर के सदर थाना इलाके के दरियापुर गांव में देर रात एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुबह परिजनों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और धौलपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय नरेंद्र पुत्र रामगोपाल जाटव निवासी दरियापुर ज्यादा मात्रा में शराब पीने का आदी था। देर रात को उसने शराब के नशे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुबह परिजनों को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। आज दिनांक 29/4/22 को श्री ब्रजेश कुमार पुत्र रामगोपाल जाटव निवासी दरियापुर थाना सदर धौलपुर ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीर पेश की कि उसके भाई नरेंद्र कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी लाश पोस्ट मोर्चरी रूम सामान चिकित्सालय धौलपुर में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी नगर कोठी मंडल द्वारा कांग्रेस सरकार के बिगड़ती कानून व्यवस्था व हिंदुओं की आस्था पर कोठाराघात और बिजली विभाग की अघोषित कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन वाटर वर्क चौराहे पर स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस में किया गया। बीजेपी के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विश्वम्भर दयाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के निर्देशानुसार बिजली विभाग द्वारा जो अघोषित कटौती की जा रही है, जिसके कारण जनता बहुत परेशान है। जिला महामंत्री सतेंद्र पारासर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वह कानून व्यवस्था हो या हिंदुओं के आस्था पर कुठाराघात, सभी मुद्दों पर कांग्रेस सरकार विफल रही है। कोठी मंडल महामंत्री हिम सिंह बघेल ने कहा कि सरकार केवल लूट कसोट की सरकार है, जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। धरना प्रदर्शन में जिला महामंत्री सतेंद्र पारासर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विश्वम्भर दयाल शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, कोठी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंगल, कोठी मंडल महामंत्री हिम सिंह बघेला, अशोक पचौरी, नगर मंत्री राधाचरण शर्मा, नगर मंत्री राम शर्मा, किसान मोर्चा कोठी मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप मुद्गल, उपाध्यक्ष इमरान कुरैशी, आईटी संयोजक हरेंद्र सिंह, शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, पार्षद विवेक कुशवाहा, नेमीचंद कुशवाहा, धीरज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में पीजी कॉलेज रोड पर छोटी रेलवे लाइन के पास एक युवक घायल अवस्था में मिला। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर युवक की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी और युवक को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर मिली बाइक के आधार पर युवक की पहचान की और परिजनों को सूचना दी। घायल युवक की पहचान कचहरी SBI बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अजय के रूप में हुई। घायल के भाई रवि ने बताया कि गुरुवार को अजय अपने घर शिवनगर कॉलोनी से बाइक लेकर ड्यूटी के लिए बैंक गया था। बैंक की छुट्टी के बाद वह घर के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा था। परिजन उसकी आसपास तलाश कर रहे थे, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल सकी और सुबह पुलिस द्वारा उसके घायल होने की सूचना मिली। सदर थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए हाईवे पर लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक देसी कट्टा और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। मुलजिम हाईवे पर मोटरसाइकिल सवारों को अपना निशाना बनाया करते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। हाईवे की और भी वारदातें खुलासा होने की संभावना है। धौलपुर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी धरपकड़ अभियान के तहत धौलपुर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना कोतवाली और DST टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश नरेश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश से 315 बोर का एक कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली थाना अधिकारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि भरतपुर रेंज भरतपुर से 10,000 का इनामी कुख्यात डकैत नरेश गुर्जर बसी नीम के जंगलों में छिपा है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक को सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगर्स के निर्देशन पर कोतवाली थाना पुलिस और DST टीम ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जंगल में तलाशी के दौरान एक युवक भागता हुआ दिखाई दिया।
जिसने घनी दाढ़ी मूछ रखी हुई थी। युवक को भागता देखकर थाना अधिकारी आध्यात्म गौतम और एएसआई दिलीप सिंह ने उसे घेर कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से एक 300 बोर्ड का कट्टा हुआ दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए। कार्रवाई के दौरान डीएसटी प्रभारी लाखन सिंह मैं टीम के उपस्थित रहे। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध पूर्व से करीब एक दर्जन मुकदमे लूट मारपीट के दर्ज हैं। 10,000 के इनामी 24 वर्षीय नरेश गुर्जर पर थाना नियालगंज में सैपो रोड से व्यापारी से सोना लूट का मुकदमा, थाना नियालगंज में ही स्कॉर्पियो लूट का मुकदमा तथा इनामी दस्यु धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को पेशी के दौरान छुड़ाने के मामले में नरेश गुर्जर बांछे चल रहा था। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी नरेश उर्फ बादशाह पुत्र रामवीर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरौली थाना कोतवाली से पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य वारदातों के खुलने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है गिरफ्तारियों का, उसमें जिला पुलिस व डीएसटी ने बहुत ही शानदार काम किया है। एक 10,000 का इनामी नरेश बादशाह निवासी मोरौली को आज गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 7 मुकदमे लूट और डकैती के दर्ज हैं। इसको मैं वेपन के आज गिरफ्तार किया है और इसे तफ्तीश की जा रही है। इसी अभियान के तहत जिले की टीमें लगातार काम कर रही है और आगे भी अच्छी काम करेंगे।